So hello everyone, and today's topic is how to clean your aura. Aura kya hai? Aura hai aapki energy field around you. Agar wo negative hai, to aap negative cheeze experience karoge. Agar wo positive hai, to aap positive cheeze attract karoge, experience karoge. Definitely remember, aura is the energy field that surrounds you with and also protects you. So, इसे हमेशा ध्यान रखना है कि क्लीन रखना है. हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो इस वक्त, इमोशनली लो फील कर रहे हो, तो आपका ऑरा वीक होते जा रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड क्लेंजिंग योर ऑरा कैन हेल्प यू फील मोर बैलेंस्ड, हैप्पी, पॉजिटिव, पावरफुल, कनेक्टेड टू योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड यू. एंड कहते हैं जब तक आपका ऑरा पॉजिटिव है, तो आपके आसपास के लोग भी जो है ना, वो भी अपने आप पॉजिटिव होने लग जाते हैं. या दैट्स पावरफुल. एंड यू शुड यू नो क्रिएट वाइट सर्कल. हमेशा मैं अपने सेशंस में कहती हूँ, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द वाइट सर्कल. ब्लैक सर्कल सब जगह मिलेगा, वाइट सर्कल ना, वाइट सर्कल वाले लोग बहुत कम रहते हैं, बट उनमें रहना इज लाइक अपने आप में एक मिराकल एक्सपीरियंस है. ट्रस्ट मी, एंड आई नो यू ऑल हैव कम इनटू दैट फॉलोइंग सो मेनी थिंग्स टिल नाउ. सो बाय रिमूविंग नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर ऑरा इम्प्रूव्स योर इमोशनल स्टेट ऑल्सो, है ना? आपको अच्छा लगता है, शांत लगता है, पीसफुल लगता है, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड. तो चलो समझने की कोशिश करते हैं हाउ यू कैन क्लीन. सो देर आर टू थ्री फोर टेक्निक्स विच आई विल बी शेयरिंग. आई होप यू आर रेडी टू राइट इट डाउन एंड नोट इट डाउन, वरना आप रेपिटेटिवली ये वीडियो तो देख ही सकते हैं, है ना? लेट्स स्टार्ट. सो टेकिंग बाथ, जिस पानी से आप नहाते हो, वो पानी को हम अगर चार्ज कर दे, तो हमारे ऑरा को क्लीन करने में वो बहुत मदद करता है. सो लाइक द फर्स्ट टेक्निक इज द सॉल्ट, सॉल्ट वाटर बाथ, जिसमें आप पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट यूज कर सकते हैं. सो जस्ट लाइक यू नो, वन मुट्ठी, एक मुट्ठी में जितना नमक आ जाए, टब में डाल दो और उस पानी से नहा लो. बट रिमेंबर वन थिंग, नमक के पानी के नहाने के बाद आपको एक नॉर्मल वाटर से भी नहाना है. जस्ट यू नो पुट इट ओवर योर बॉडी, रिमेंबर दैट. सेकेंड थिंग इज यू कैन एड हर्ब्स लाइक यूकलिप्टस लीव्स, नीलगिरी आपने अगर सुना होगा, यूकलिप्टस, उसके पत्ते डाल सकते हैं आप, नीम के पत्ते डाल सकते हैं, रोज के पेटल्स डाल सकते हैं, लैवेंडर. अब करना क्या है, वेन एवर यू पुट दिस सोक इट इन टू द वॉटर टब, वेट फॉर 10 मिनट्स, वेट फॉर 10 मिनट्स कि उसका पूरा जो है ना वो अब्सॉर्ब कर ले पानी, पानी में ठीक से घुल जाए, मिल जाए, एंड देन यू कैन टेक बाथ. थर्ड, यू कैन ऐड क्रिस्टल्स टू योर बेदिंग वाटर. कौन से क्रिस्टल्स? सो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड क्लियर क्वार्ट्स. सो लाइक दिस यू कैन से इज क्लियर क्वार्ट्स. देन यू कैन ऐड एमिथिस्ट, दैट इज द पर्पल कलर, एमिथिस्ट. यू कैन ऑल्सो एड रोज क्वार्ट्स एंड सेलेनाइट. आई होप यू नो दिस इज लाइक रोज क्वार्ट्स, पिंक कलर, एंड दिस इज सेलेनाइट. एंड क्लियर क्वार्ट्स, यू कैन ऑल्सो कॉल दिस क्लियर क्वार्ट्स. इनफैक्ट सेलेनाइट इज दिस, थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट होता है सेलेनाइट. सो अलग अलग शेड्स में क्रिस्टल्स मिलते हैं, अवेलेबल होती है. अगर आपके पास नहीं है, मेरे जैसे आपके पास ब्रेसलेट्स है, तो आप वही बेदिंग टब में डाल सकते हो. एंड वेट फॉर 20 मिनट्स टू गेट द वॉटर चार्ज. 20 मिनट तक आपको क्रिस्टल्स रखने हैं और उसे चार्ज होने देना है. सो वेट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स. यू कैन ऑल्सो एड इसेंशियल ऑयल्स इफ यू वॉन्ट. इसेंशियल ऑयल्स यूकेलिप्टस ऑयल हो सकता है, दैट इज वेरी वेरी नाइस. लेवेंडर ऑयल यूज कर सकते हैं आप, दैट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल.
रोजमेरी ऑयल आप यूज कर सकते हैं, रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से ये सब चीजें भी आप यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फॉर मैरिज आई रेकमेंड 43 डेज तक आप हल्दी के पानी से नहाएं, सो यू कैन पुट अ लिटिल हल्दी एंड टेक बाथ, दैट इज फॉर मैरिज एक्चुअली। बट इवन इफ नॉट मैरिज, ऑन थर्सडेज एंड संडेज यू कैन यूज हल्दी का पानी टू टेक बाथ, थर्सडेज एंड संडेज। सो ये हो गया बेदिंग वाटर। और एक चीज है, इंसेंस स्टिक या धूप या अगरबत्ती, व्हाट यू कॉल इट इन हिंदी। सो क्या करना है, उसका जो स्मोक है ना, ओके, वो जो इसेंस स्टिक का स्मोक है, उसको आपके बॉडी के आउटलाइन से पूरा घुमाना है। जो भी आपका बॉडी है, दिस इज द बॉडी, सो इसके आउटलाइन से आपको इस तरह से पूरा घुमाना है, नीचे पैरों तक जाइए फिर से। सो यू कैन टेक 3 राउंड्स, 3 राउंड्स, बिलीविंग एंड विजुअलाइजिंग कि आपका ऑरा क्लीन हो रहा, सारी नेगेटिव एनर्जीज पूरी तरह से बाहर फेंकी जा रही है, लाइक खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, और पूरी पॉजिटिव ऊर्जा से आपका शरीर भर चुका है और सुरक्षित भी है। वन मोर टेक्निक, चार्जिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द मूनलाइट, सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द मूनलाइट। सो मे बी यू कैन टेक यू नो अ स्मॉल वेसल और समथिंग लाइक दैट एंड कीप इट इन द मूनलाइट, बट रिमेंबर सनराइज से पहले आपको ये पानी ले लेना है, ठीक है। एंड यू कैन एड दैट वाटर, दैट अमाउंट ऑफ वाटर जो मूनलाइट से चार्ज हो चुका है, उसको आप आपके टब में ऐड कर सकते हो, ज्यादा क्वांटिटी के पानी में ऐड कर सकते हो, एंड यू कैन टेक बाथ। सो इट्स लाइक चार्ज विथ मूनलाइट। अनदर इज वॉकिंग इन द रेन, दैट इज सो पावरफुल, इट्स लाइक वेरी 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 नेचुरल वे टू क्लीन योर ऑरा, नेचुरल वे। तो बारिश आती है तो बेयर फुट वॉक करो बारिश में, एटलीस्ट फॉर 5-10 मिनट्स। एंड बारिश के पानी में यू हैव टू लिटरली विजुअलाइज कि सही में सारी नेगेटिव एनर्जीज ना धुलकर जा रही है कंप्लीटली, यू नो मदर मदर अर्थ इज यू नो अब्सॉर्बिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड न्यूट्रलाइजिंग यू। आपको ये फील कर रहा है और पॉजिटिविटी से भर गया। सो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स यू कैन वॉक एंड इमेजिन दैट इन द रेन, सो दिस विल रियली वॉश अवे योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आपने देखा है ना बच्चे कैसे मजा करते हैं जब बारिश आती है, तब दे रियली एंजॉय। एक्चुअली उम्र कुछ भी हो, बारिश में मजा आती ही है। 5-10 मिनट जाओ तो सही में बजाते हैं, तो इमेजिन आपके इमोशंस और फीलिंग्स भी कितनी अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है ना। यू फील सो पॉजिटिव, यू फील सो लाइक वाओ, कनेक्टेड टू द नेचर, कनेक्टेड टू योर सेल्फ। सो प्लीज एक्सपीरियंस दिस हैप्पीनेस। अभी सीजन आ ही रहा है, सो यू कैन रियली गो फॉर इट। ओके नेक्स्ट, बेयर फुट वॉकिंग, बेयर फुट वॉकिंग इन द सनलाइट। अब सनलाइट यानी इट शुड बी बिटवीन 7 to 9:30 to 10 मैक्सिमम, ठीक है। तो बिना कोई फुटवेयर के यू आर सपोज टू वॉक, सो दैट ऑल्सो एनर्जाइजेस द सनलाइट प्लस द मदर अर्थ, सो दोनों आपको एक्टिवेट करेंगी और आपकी ऑरा को क्लीन करेगी, एंड इट्स अ पावरफुल टेक्निक। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ देम मस्ट बी डूइंग इट। एंड वन मोर पावरफुल थिंग, वॉकिंग ऑन द ग्रीन ग्रास, वॉकिंग ऑन द ग्रीन ग्रास, ऑफकोर्स बेयर फुट। सो एक इसका बेनिफिट तो है काफी, यू ऑल नो इट, बेयर फुट ग्रीन ग्रास पे अगर हम वॉकिंग करते हैं तो जो सनलाइट ग्रास से होकर हमारे आईज में जाती है, हमारे आईज के लिए अच्छी होती है, ब्रेन के लिए अच्छी होती है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, एंड हमारी ऑरा भी क्लीन करती है, एंड यू फील स्मूदिंग, यू नो सूदिंग फील होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। सो दीज आर फ्यू टेक्निक्स यू कैन डू इट। आप इन सब टेक्निक्स को मिक्स भी कर सकते हो, एक साथ 2-3 टेक्निक्स यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था मूनलाइट में पानी चार्ज करो ओवर द नाइट, उसमें आप क्रिस्टल भी डाल के रख सकते हो,
क्रिस्टल भी डाल के रख सकते हो। अच्छा, मूनलाइट जो चार्ज किया है आपने, पानी जो ज्यादा वाटर क्वांटिटी में मिक्स किया है उसमें आप हर्ब्स भी मिक्स कर सकते हो, इसेंशियल ऑयल्स भी मिक्स कर सकते हो। सो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, इस तरह से आप हर चीजें मिक्स एंड मैच कर सकते हो। एंड आई वॉन्ट दिस एक्सपीरियंस, ओके? आई वॉन्ट योर कॉमेंट्स आफ्टर यूजिंग इट एटलीस्ट फॉर 21 डेज। सो आई रेकमेंड 21 डेज में आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार ये क्लेंजिंग प्रोसेस करनी, ठीक है? एवरी वीक एटलीस्ट ट्वाइस, एंड 21 डेज के बाद लिटरली यू नो मॉनिटर योर सेल्फ, हाउ आर यू फीलिंग? आर यू बेटर देन बिफोर? लाइक इमोशनल स्टेट आपका किस तरह से है, क्या बैलेंस फील कर रहे हो, क्या पीसफुल फील कर रहे हो, इज दैट? जस्ट चेक। सो दिस विल रियली यू नो यू विल अंडरस्टैंड बाई योर ओन सेल्फ, दिस इज योर ओन एक्सपीरियंस, राइट? सो आई होप यू लव दिस। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इफ यू लव दिस वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। पूजा शाह।